हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग्य, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मानहानि करना नहीं। महिला सुरक्षा पर सरकार की निंदा करने वाली एक्टिविस्ट को पतंजलि लिपस्टिक लगाना होगा अनिवार्य, कहती है स्मृति ईरानी। बीजेपी सरकार ने देश में बढ़ती अराजकता और महिलाओं की खराब स्थिति की अफवाह फैलाकर भारत की छवि धूमिल करने वाली एक्टिविस्ट्स पर नकेल कसने का इरादा कर लिया है। सरकार को नोटबंदी की सलाह देने वाले बाबा रामदेव ने अब स्मृति ईरानी को संसद में एक नया बिल लाने का सुझाव दिया है। सुझाव लेने के बाद स्मृति जी ने मीडिया को बताया, अगले हफ्ते मैं संसद में एक बिल पेश करूंगी जिसके तहत सारी महिला एक्टिविस्ट्स को मन की शुद्धि के लिए हफ्ते में एक दिन पतंजलि लिपस्टिक लगाकर नजदीकी थाने में हाजिरी देना अनिवार्य होगा। ये लिपस्टिक चमत्कारी है और एक्टिंग के दिनों से ही मुझे देशभक्ति के विचारों से ओतप्रोत कर रही है। उम्मीद है कि इससे उनके देशद्रोही विचार खत्म हो जाएंगे और वे बलात्कार, छेड़छाड़ और ऑनलाइन ट्रोलिंग जैसे वहम मन से निकालकर असली भारत की तस्वीर देख पाएंगी। स्मृति जी ने यह कदम महिला एक्टिविस्ट्स के उन आरोपों का उत्तर देने के लिए उठाया है जिनमें उन्हें विपक्ष में रहकर बलात्कार पर आवाज उठाने और मौजूदा सरकार में चुप्पी साधने के लिए पाखंडी कहा गया था। एक्टिविस्ट्स ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब सरकार बलात्कारियों और गाली देने वालों का समर्थन कर रही है और छात्राओं को पीटा जा रहा है तो बेटी बचाओ नारे को बदलकर अपनी बेटी खुद बचाओ कर देना चाहिए। फेकिंग न्यूज द्वारा ये पूछे जाने पर कि ऐसे आरोप लगाने वाले कई पुरुष भी हैं और सरकार उनके लिए क्या करेगी, स्मृति जी ने कहा, बाबा रामदेव समलैंगिकों को ठीक करने वाले योगासन के बाद अब फेमिनिस्ट मर्दों को ठीक करने के लिए पतंजलि शेविंग क्रीम बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी इसका ट्रायल हो रहा है। ट्रायल पूरा होते ही सरकार अध्यादेश लाएगी और पुरुषों की हिट लिस्ट के लोगों को भी साप्ताहिक पतंजलि वाली शेविंग करके थाने में हाजिरी देनी होगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।